मधेपुरा के एक निजी नर्सिंग होम की बड़ी लापरवाही सामने आई है। बताया जाता है कि जब लापरवाही की शिकायत करने मरीज के परिजन गए तो डॉक्टर और उसके गुर्गे ने उसके साथ मारपीट की। इस दौरान डॉक्टर के निजी गार्ड द्वारा गोली भी फायर करने का मामला सामने आया है। इस मामले में मरीज और डॉक्टर दोनों की तरफ से थाने में आवेदन दिया गया है। वहीं मरीज और उसके परिजन डीएम से भी न्याय की गुहार लगाने पहुंचे। मामला बीते मंगलवार का बताया जाता है। मधेपुरा मेडिकल कॉलेज के पास संचालित एक निजी नर्सिंग होम में गुलशन खातून नामक महिला के पेट का ऑपरेशन बीते मार्च महीने में हुआ। ऑपरेशन के बाद महिला को हमेशा पेशाब बहने की समस्या रहने लगी। कुछ दिन बाद डॉक्टर ने फिर ऑपरेशन किया, लेकिन ये शिकायत दूर नहीं हुई। महिला की माने तो इस बीच कई बार डॉक्टर से बात हुई। डॉक्टर ने बताया इसे पटना ले जाना होगा और फिर खर्च की राशि उनके द्वारा अब तक 2 से 2.5 लाख रुपए खर्च किए जा चुके हैं। मंगलवार को वो अपने भाई के साथ डॉक्टर से मिलने आए थे, लेकिन डॉक्टर ने उसे अपने कैबिन में बिठाकर धमकी दी। इस दौरान आए एक पत्रकार के साथ भी इन लोगों के द्वारा मारपीट की गई। हुआ तो सक्सेस नहीं था, इसलिए अपने भाई को बोले जो हमको तबियत बहुत सीरियस है। मेरे गार्जियन भी बोला डॉक्टर के पास ले जाओ, डॉक्टर क्या सलाह देता है। इतना दौड़ाते दौड़ाते तो 2.5 लाख रुपया खर्च कर दिए हैं। गरीब आदमी है, 4 छोटा छोटा बच्चा है, इसलिए आए यहाँ पर जो सलाह लेने के लिए। डॉक्टर साहब क्या कहने चाहते हैं, तो बोला डॉक्टर साहब अभी नहीं है, आ रहे हैं। तो हमको दर्द था, बेचैन थे, हम रो रहे थे। तो उसी होकर पत्रकार जा रहा था तो बोला क्या बात है, तो हम ऐसे ऐसे बात जो सच था सो सर बताएं। सच जो बताएं ना, तो डॉक्टर साहब को जो है ना गुस्सा आ गया, जो तुम लोग क्यों बताए मीडिया के पास। तो हम लोग सोचे सर मीडिया हो, को हमको पता नहीं था, जो सच था मेरे पास हम बता दिए। तो डॉक्टर साहब का कहना हुआ जो तुम गुंडेगर्दी लेके आए हो, मतलब कि तुम्हें साले अंदर करो और कोई इलाज उलाज नहीं करना है, ठीक है। अंदर ले गए और मतलब कि मेरे ऊपर गोली थाम दी है डॉक्टर साहब, जो है डॉक्टर संतोष साहब मेरे ऊपर गोली थाम दी है। उन्हीं के कर्मियों ने पकड़ा मुझे, उनको बंदूक को पकड़ा और उनके बाद जो है इसको क्या कह रहे हैं शाहनवाज हुसैन साहब को धक्का मुक्का देते हुए मारपीट करते हुए बाहर ले गए। अच्छा, आप पर जब बंदूक तानी गई इस दौरान वहाँ फायरिंग की भी बात सामने आ रही है। फायरिंग की बात सामने आई थी, फायरिंग जो है बाहर में हुआ था, उस समय फायरिंग नहीं हो पाई थी। अंदर में ओपीडी में मेरे ऊपर तान चुका था। अच्छा, मेडिकल कॉलेज लोहरदगा जा रहा था, मुझे फोन आया कि पेशेंट के गार्जियन आ रखे थे। उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब धमकी भरा कॉल आया, कितने देर में आएंगे आप। और धमकी भरा कॉल था कि कितने देर में आएंगे, नहीं तो जल्दी आइए, मैं कुछ कर दूंगा। मैंने बोला कि भाई क्या कर दोगे, हम आ रहे हैं। तो कॉलेज जा रहा था, मैं रास्ते में था, वहाँ पे काम खत्म करने के बाद में भागा भागा यहाँ आया। तो देखा कि कुछ लोग यहाँ पे खड़े थे, जो मैंने पूछा पेशेंट से पूछा कि क्या दिक्कत है तुमको, उनको क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है तुमको। तो बोल रहे हैं कि मुझे आपसे मिलना था। मैंने कहा ठीक है, मैंने ही तुमको बुलाया था, मैंने ही उसको बुलाया था, उसकी सर्जरी हुई थी और थोड़ी सी सर्जरी की कॉम्प्लिकेशन, उसको थोड़ा सा पेशाब लीक हो रहा है। तो मुझे देखना था कि एक घसा को भेजन फुस्तुला होता है, किसी किसी पेशेंट में कभी कभी हो जाता है। तो उसके तो अगर था तो मैंने बोला था कि देखते हैं, अगर होगा तो मैं इसको ठीक कर दूंगा, करेक्ट कर दूंगा। और उसमें घबराने की बात नहीं है, क्योंकि बहुत दिन से वो मेरे टच में नहीं था और मैं अक्सर पूछा करता था कि पेशेंट के बारे में क्या कंडीशन है, क्योंकि मुझे पता था। उसने एक दो बार मुझे फोन करके बताया था और उसको मैं बुला रहा था यहाँ पे। यूजली मैं सारे पेशेंट के साथ यहाँ पे ऐसा करता हूँ, क्योंकि कैंसर पेशेंट होते हैं यूजली नहीं आते हमारे यहाँ, तो उनको कॉल करके बुलाना होता है सकाई के लिए। यहाँ पे आया, मैंने देखा कि दो लोग बैग लेके खड़े थे, उनके पास आर्म्स था और बैग थे, कह रहे कि मैं मीडिया पर्सन से हूँ। और फिर जैसे ही मैं आया तो मेरे को उन्होंने बोलने लगा कि ये रंगी खाना बना रखा है। साथ के लोगों ने बोलने लगे रंगी खाना बना रखा है, ये करता है वो करता है। और यहाँ पे यूजली क्या होता है, जैसे मेडिकल कॉलेज में गवर्नमेंट एक इतनी अच्छी मेडिकल कॉलेज सस्ता भी है, या हम लोग मेडिकल चला रहे हैं, मेरे पास लाइसेंस भी है, मैं लाइसेंस के थ्रू चला रहा हूँ, हर चीज़ है मेरा। उसके बावजूद भी यहाँ पे मैंने करीब 300 सर्जरी की, सारी कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी मैंने की। तो उसके बावजूद भी लोकल हॉस्पिटल्स के इधर उधर के जो यहाँ के डॉक्टर्स मधेपुरा में बहुत ज्यादा है, उनका काम है कि पेशेंट को मोबिलाइज करना यहाँ से वहाँ और उससे पैसा कमाना। और यहाँ पे यही लोग डिसाइड करते हैं कि पेशेंट का इलाज कहाँ होगा, चाहे मरे चाहे जिए, ये लोग डिसाइड करते हैं, उसी में से सारे लोग थे। वहीं डॉक्टर ने परिजन और पत्रकार पर धमकी देने के साथ ही मारपीट का आरोप लगाते हुए सिंहेश्वर थाने में केस दर्ज कराया है। डॉक्टर इस घटना को बदनाम करने की साजिश बता रहे हैं। पब्लिक न्यूज टीवी के लिए मधेपुरा से रमन कुमार की रिपोर्ट। यहीं बैठाइए, प्रशासन को लाइए।
बिना फ्रेंड्स कैसे तुम वीडियो बना रहे हो।